नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं आपके साथ सौरभ। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बूढ़सो से है, जहां निकटवर्ती ग्राम बरवाला स्थित संत अयोध्या दास गौशाला में पिछले दिनों लिम्पी बीमारी सहित गत 25 मई को रात्रि आए तेज अदड़ व तूफान से उड़े टीन शेड व दीवार के नीचे दबने से हुई गायों के अकाल मौत पर शांति व श्रद्धांजलि स्वरूप शुक्रवार को हवन सुंदरकांड आदि विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान टीन शेड उड़ने के बाद खुले आसमान में रह रही गौशाला की गायों के लिए धूप, बारिश व सर्दी गर्मी से बचाव के लिए पक्का निर्माण करवाने की योजना व उसके लिए जरूरी सहयोग राशि जुटाने पर भी चर्चा करते हुए श्री गणेश किया गया। बरवाला के रघुनाथ मंदिर के महंत बालकदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से संत अयोध्या दास महाराज की तस्वीर के सामने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इस दौरान हवन व सुंदरकांड आदि आयोजन भी हुए। इसमें बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने शिरकत का धर्म लाभ प्राप्त किया। समापन पर आरती के बाद उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। लिम्पी बीमारी सहित पिछले दिनों आए तूफान से गौशाला के टीन शेड व दीवार टूटने के कारण मरी गायों की श्रद्धांजलि स्वरूप गौशाला में शांति व नए निर्माण की रूपरेखा व सहयोग राशि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गौशाला परिसर में गायों के लिए पक्का निर्माण करवाने पर भी चर्चा करते हुए उसके आवश्यक सहयोग राशि जुटाने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान महंत बालकदास महाराज ने कहा कि गाय सनातन धर्म में हमारी माता के समान पूजनीय होने से सर्वोपरि है। समय समय पर गौ माता हमारे ऊपर आए संकट को खुद पर लेते हुए पुत्र के समान हमारी रक्षा करती है, मगर आज गौ माता खुद संकट में है और इसे हमारे सहयोग की दरकार है, इसलिए हर संभव सहयोग कर गौ माता की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से अतिशीघ्र गौशाला परिसर में गायों के लिए पक्का निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे गायों को धूप, बारिश व सर्दी गर्मी से बचाव हो पाएगा। कार्यक्रम में बरवाला निवासी मार्बल व्यवसायी चेराराम भामू पुत्र रामूराम भामू द्वारा गायों के लिए 2,51,000 रुपये, भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार भीमाराम भामू पुत्र अमराराम भामू द्वारा करीब 1,00,000 रुपये की लागत से निर्माण कार्य में आने वाली कांकरी चंपालाल राधेश्याम पारिक द्वारा 51,000 रुपये की सहयोग राशि से घोषणा की गई। इस दौरान अन्य ग्रामीणों ने सहयोग राशि प्रदान की। कार्यक्रम के बाद नवनिर्मित गौशाला के ऑफिस व स्टोर रूम का भी महंत बालकदास महाराज द्वारा फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सरपंच महेश जांगिड़, गौशाला समिति अध्यक्ष कैलाश बामू, कोषाध्यक्ष मक्खन सिंह, सचिव प्रमोद पारिक, भवनलाल जांगिड़, जनक सिंह, मग्निराम बामू, दुर्जन सिंह, सरदार सिंह, कृष्णराम बाकर, नाथुराम बामू, रामावतार पारिक, श्याम सुंदर पारिक, चंपालाल पारिक, मडनाराम भामू, चेनाराम बेचर, जितेंद्र शर्मा, महेंद्र शर्मा, महावीर परियार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व महिलाएं मौजूद रही। बूढ़सो से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।